दिल्ली सुल्तानेट। ओके स्टार्ट सर। दिल्ली सल्तनत सर, इसमें टोटल जो सल्तनत है सर, ये पहली जो सुल्तानत थी सर वो थी स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी सर, जिसको हम इलबरी और ममलूक दो नाम से जानते हैं। स्लेव को हम इलबरी और ममलूक डायनेस्टी। लिखो 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 स्पेलिंग लिखो बड़े बड़े लिखो। इलबरी डायनेस्टी। ओके ठीक है सर। सबसे जो इसका जो टोटल जो रूलिंग जो पीरियड है वो है 1206 तक, 1206 से 1290। ओके सर। उसके बाद दूसरी जो डायनेस्टी आ जाती है वो आती है खिलजी, खिलजी डायनेस्टी। तो सर जो इसका जो रूलिंग पीरियड है वो है 1290 से लेकर 1320। ठीक है नेक्स्ट सर। इसके बाद जो है वो है तुगलक, तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। इसका जो रूलिंग पीरियड है सर वो है 1320 से लेकर 1412। उसके बाद जो रूलिंग पीरियड है वो है तुगलक में क्या आ जाएगा, सैयद, सैयद क्या बना इसका। इसका जो रूलिंग पीरियड है वो है 1414 से लेकर, इसका है 1414 से लेकर 1451 तक। उसके बाद जो दूसरी जो है सैयद होगा उसके आ जाएंगे आपको लोधी, लोधी। मार्कर तो लिखी नहीं है भाई। हाँ सर मार्कर तो नहीं लिख रहा है, तो इसे मार्कर लेने की क्या जरूरत है, पॉज कर दीजिए। डायनेस्टी उसका ममलूक और इलबरी डायनेस्टी भी कहते हैं, 1206 से लेकर 1290 तक। फिर जो दूसरी आई है वो है खिलजी डायनेस्टी जो 1290 से लेकर 1320 तक है। उसके बाद आई तुगलक डायनेस्टी जो 1320 से लेकर 1412 तक है, और सैयद डायनेस्टी जो 1414 से लेकर 1451 तक है। उसके बाद लोधी डायनेस्टी जो 1451 से लेकर 1526 तक है। ओके लोधी हो गया। तो अभी बताओ इसमें इसके बारे में और सर अब स्टार्ट करूं। सर दिल्ली सल्तनत जो खोजी थी जिसको कहते हैं फादर ऑफ दिल्ली सल्तनत ऑफ दिल्ली सर, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक जो सैयद डायनेस्टी के भी फाउंडर थे। स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था ना कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके तो लिखे, अच्छा इसे साफ कर दो, साफ करके फिर हॉट डायनेस्टी का। नाउ विल स्टार्ट स्लेव डायनेस्टी है ना। तो सर अभी हम स्टार्ट करेंगे स्लेव डायनेस्टी। चलो चलो साफ करो और बड़े बड़े करके लिखे। ओके सर, तो बाद में तुम खुद ही रिविजन नहीं कर पाओ। बड़ा लिखो बड़ा लिखो। कौन था इसका फाउंडर सर? इसके फाउंडर जो थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इधर ही बैठ। हाँ तो बोलते चला जाओ, मैं बाद में देख लूँ।
तो सर जो कुतुबुद्दीन ऐबक है सर, उनका 1206 से लेके 1210 तक है कार्यकाल सर। उसके बाद जो ये सब फाउंडर थे दिल्ली सल्तनत के, और सर वो स्लेव डायनेस्टी के भी फाउंडर थे साथ ही साथ। और सर उसको स्लेव डायनेस्टी इसलिए कहा जाता था क्योंकि सर जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे सर, वो मोहम्मद मोहम्मद गौरी के नौकर थे, तो नौकर से वो राजा बने, इसलिए इसकी जो डायनेस्टी का नाम था वो स्लेव डायनेस्टी था। और सर ये दूसरा पॉइंट हो गया फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत थे एंड स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। उसके बाद सर जो इसके सर जो दूसरा पॉइंट है सर ये है कि सर इनको सिपा सलार एंड मलिक सर, इनको इसका टाइटल दिया गया और वो टाइटल गिवन बाय जो टाइटल थे उनको दिए थे गिवन बाय सर, उनका नाम था मोहम्मद गौरी, उनने इनको टाइटल दिया था सिपासलार और मलिक का, मोहम्मद गौरी, ठीक है सर। सो उनने दिया था इसको। फिर जो तीसरा पॉइंट है सर, ये बहुत ही नेक मतलब सर ये बहुत ही क्या कहूँ तो काइंड रूलर थे, और सर ये बहुत सर ये दान मान बहुत करते थे, इसलिए लोग इनको लाख बख्श इनको सर लाख बख्श कहा जाता था, क्योंकि सर ये एक ही बारी में लाख लाख रुपए ये मतलब लाख रुपए मतलब काफी दिलदार थे सर, और इनसे गरीबी मतलब गरीबों को काफी दान पूर्ण किया करते थे, इसलिए सर इनको लाख के बख्श एक ही बारी में सर लाख लाख रुपए का दान कर दिया करते थे सर, इसलिए इनको लाख बख्श कहा गया, लाख बख्श ये भी सर वो टाइटल था जो इनकी अपनी जो पब्लिक है सर, उनकी अपनी जो हाँ वही पब्लिक सर, उनने इनको टाइटल दिया था लाख बख्श। उसके बाद तीसरी बात है सर, इनकी जो मृत्यु थी सर, इनकी जो मृत्यु थी सर 1210 में हुई थी, में सर इनकी मृत्यु हुई थी, और सर वो भी हुई थी सर पोलो खेलते हुए, जिसको उस समय कहा जाता चौगान, जिसको सर आज का नाम पोलो कहते हैं। तो सर इनकी घोड़े से गिर के मौत हो गई थी 1210 में। सर ये पॉइंट इसके हो गए। हाँ सर, उसके बाद सर इन्हें बहुत काफी नेक दिल थे सर, और ये मर गए सर 1210 में। और सर तीसरी चीज ये कि सर हमारा कुतुबुद्दीन सॉरी कुतुब मीनार है सर दिल्ली में है, कुतुब मीनार सर वो भी इन्हें ही बनवाया था, मतलब जो उसका फाउंडेशन था जो उसका जो शुरुआत की थी बनवाने की वो इन्हीं ने स्टार्ट की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और सर ये जो उन्होंने कुतुब मीनार है सर वो बनवाया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी सर, जिनके सर इनके जिनकी इनने याद में बनाया था सर होता कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सर, ये वो इंसान थे जिनके नाम पर ने कुतुब मीनार बनाया था। इसका जो फिर नेक्स्ट पॉइंट था सर, उसके बाद कुतुब मीनार के सर कुतुब मीनार बना दिया सर। उसके बाद सर इनके सर दो बहुत खास आदमी थे जिनका नाम था सर, एक का नाम था हसन निजाम और एक का नाम था सर फखरुद्दीन।
फखरुद्दीन, फखरुद्दीन सर, एक का नाम था हसन निजाम और फखरुद्दीन सर। ये हेड मतलब सर ये हेड एंड हर्ट ऑफ ऐबक, मतलब जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे सर, उनके ये हर्ट और हेड माने जाते थे कि जो इनके काम थे सर इतने इतने ही ज्यादा निपुण थे सर कि उनने जो जस्टिस और इन सब के फील्ड में सर इतना बढ़िया काम किया उस पे, इसके लिए उनको हर्ट ऑफ हर्ट एंड हेड ऑफ ऐबक कहा जाता है। और सर इनके जो कुछ काम है जो मतलब जो इनने जो बुक बुक लिखी, जो इनके जो काम है जो जिन जिन बुकों में पब्लिश, मतलब जिन जिन बुकों में डाले गए वो काम सर, वो नाम थे, एक बुक का नाम था सर तारक है इसमें देखो, एक का नाम था सर ताज उल मसीर, एक का नाम था ताज उल मसीर। और सर जो दूसरे जो इनका जो काम था सर उसका नाम था ताज उल मसीर और तारिक, तारीख मुबारक शाही, शाही। ये जो वो बुक थी जो इनने जो इनकी जो इनके जो काम को दर्शाती है, तारीख मुबारक शाही और ताज उल मसीह। हाँ ये बुक इनके काम के बारे में बताई गई है कि इन्हें क्या सोशल जस्टिस क्या किया है। ताज उल मसीर और तारीख मुबारक में मुबारक, ये है तारीख मुबारक शाही, मुबारक में आरके मुबारक एम यू बी ए आर के ए आर के मुबारक शाही। सर जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो फाउंडर थे दिल्ली सल्तनत के, और अपनी जो डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी को सर स्लेव डायनेस्टी को इसलिए कहा गया है क्योंकि सर ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे सर वो मोहम्मद गौरी के सर स्लेव मतलब नौकर थे, वो जब आजाद हुए तो उन्होंने अपनी डायनेस्टी का इस नाम स्लेव डायनेस्टी रखा, उधर रखा तो सुनिए पर इनको अपनी स्लेव डायनेस्टी के नौकर थे सर, नौकर था और इनने नौकर ने सर अपनी जो डायनेस्टी बनाई सर उसकी डायनेस्टी का नाम स्लेव डायनेस्टी रख दिया। और सर तीसरा पॉइंट सर ये है कि जो जो गौरी थे सर उन्हें इनको टाइटल दिए थे दो, एक का नाम था मलिक और एक का और एक टाइटल देते थे ना सिपा सवार का, ये जो दो टाइटल थे वो उनको मिले थे मोहम्मद गौरी ने दिए थे सर। उसके जैसे तीसरे फिर उन लोग आ जाएंगे फिर बैठे उसी ले बैठे लास्ट की तरफ है ना, यहाँ बैठ गया उसके बाद जो अगला पॉइंट था वो ये था कि सर इनको लकबख्श कहा जाता है क्योंकि सर ये बहुत ही दानी थे, सर ये बहुत ज्यादा दानी थे और सर एक ही बारी में से लाख लाख का दान दे देते थे, इसलिए इनको लकबख्श कहा गया था कि जो पब्लिक थे उनने इनको लकबख्श कहते थे। उसके बाद सर ये 1210 में मर गए थे पोलो खेलते हुए, जो उस समय के जो उसको कहते थे चौगान, चौगान खेलते खेलते जो अभी हम पोलो कहते थे इसको, तो वो खेलते खेलते इनकी मृत्यु हो गई थी, तो सर इनका जो आधा सपना था वो अधूरा रह गया था। और सर इनने जो अगला पॉइंट है सर ये है कि सर इनने कुतुब मीनार बनाया था, और सर कुतुब मीनार सर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से बनाया था इनने कुतुब मीनार जो हमारा दिल्ली में है। और नेक्स्ट उसके सर जो नेक्स्ट पॉइंट था सर कि इसके सर दो ऐसे लोग थे सर जो उसके हेड और हर्ट ऑफ ऐबक कहलाए जाते हैं सर, उनका नाम था हसन निजाम और एक का था फखरुद्दीन। तो सर ये दो आदमी थे जो उनके हर्ट और हेड एंड हर्ट माने जाते हैं क्योंकि सर इनका जो काम था सर उनको काफी हेल्प किया ऐबक ऐबक को उनने जस्टिस और इन सब के लिए। और सर इनने अपनी बुक में मेंशन भी किया ये सब चीजें सर, उन दो बुक का नाम है सर एक है ताज उल मसीर और एक का नाम है तारीख मुबारक शरीफ। ठीक हो गया इसके कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। नहीं सर अभी एक दो पॉइंट एक पॉइंट और है सर, लिखिए हटा दो सर अभी। हाँ मिटा सर इनका जो सर नेक्स्ट पॉइंट है जो फर्स्ट मॉस्क्यू था इंडिया का सर उसका नाम था सर कुवत उल इस्लाम सर, इस नाम से सर एक तो पहला मॉस्क्यू था इंडिया का वो इनने बनवाया था। और सर एक चीज और थी जिसको हम आधे दिन का झोपड़ा आधे आधे दिन
सर ये अभी जो जगह है सर ये अभी प्रेजेंट में अजमेर में है सर, ये सर ये वाली जो जगह है चलो चलो ये अजमेर में है और सर ये वाली जो जगह है वो अभी प्रेजेंटली दिल्ली 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 ये दो जगह बनाई थी फर्स्ट मॉस्क के साइड दो चार क्वेश्चन तुमसे पूछ लेते हैं। पूरा याद हो गया तुम्हारा? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसको किस हिसाब से हम लोग जानते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को फर्स्ट दैट इज मुस्लिम किंग ऑफ इंडिया, फर्स्ट मुस्लिम किंग मतलब एक पहले रूलर थे जिनने राज किया, मतलब राज के पर्पस से आते एस्टेब्लिश करने के लिए अपने उस पर आते, ये नहीं कि लूट के चले गए। अच्छा मतलब इसने पहले मतलब यहाँ पे जो है अपना पूरा राज्य मतलब फैलाने में दिल्ली सल्तनत पे ने पहले कब लगे। अच्छा दूसरा पार्ट ये होता है कि तुम्हारा इसके जो मतलब अदर जो किंग से इसका कोई अलग नेचर थे, बहुत ही अलग नेचर, बहुत ही दयालु इंसान थे, इसीलिए उसको क्या बोला जाता सर लगभक्ष लगभक्ष। अच्छा इंडिया में जो फर्स्ट मॉक्स बने गया था, हाँ सर मॉक्स जो बना गया था वो किसने बनाया था? सर इन्हें बनाया था कुवत उल इस्लाम। ये कहाँ पे है? सर ये दिल्ली में। ठीक है, हो गया।